Three Indian students have died in a matter of 1 week. Why this is happening? US, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, इन चार देशों में इंडियन स्टूडेंट सबसे ज्यादा पढ़ने जा रहे हैं। 2023 में इन चार देशों में 8.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स गए थे। अकेले US में 2022 से 2023 तक 268,923 इंडियन स्टूडेंट्स गए थे, जो अब तक का हाईएस्ट है। अब इस ग्राफ को देखो, कंट्रीज जिनमें इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं उनमें से कॉस्टली है यूनाइटेड किंगडम। बैचलर्स की डिग्री पर हर साल ऑन एन एवरेज इंडियन स्टूडेंट्स $50,000 यानी लगभग 41 लाख रुपीस खर्च करते हैं और मास्टर्स की डिग्री पर $35,000 यानी लगभग 30 लाख रुपीस खर्च करते हैं। इतना सारा पैसा खर्च करने के बावजूद इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर सेफ नहीं है, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। Why are students from India or of Indian origin dying in America? वायलेंस का शिकार हो रही है। आपको याद होगा, रिसेंटली अभी एक इंसिडेंट हुआ था, जानवी कंदुला करके आंध्र प्रदेश से एक मास्टर्स की स्टूडेंट थी जो US में पढ़ाई कर रही थी। इन्हें एक पुलिस ऑफिसर ने पीछे से हिट कर दिया था जिसमें इनकी जान चली गई थी और पुलिस ऑफिसर की गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी। इसके बाद एक वीडियो फुटेज वायरल हुई थी जिसमें दूसरा पुलिस ऑफिसर इस चीज का मजाक उड़ा रहा था। $11,000. She was 26 anyway. She had limited value, but she is dead. No, it's a regular person. पुलिस ऑफिसर जिसने जानवी को हिट किया था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है लैक ऑफ एविडेंस बोलकर, और उसे बरी कर दिया गया है। पुलिस ऑफिसर इन द यूनाइटेड स्टेट्स हु किल्ड एन इंडियन स्टूडेंट लास्ट ईयर विल नॉट बी क्रिमिनली चार्ज्ड एंड हैज बीन लेट गो ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। अकेले US में पिछले 3 महीने में 10 इंडियन स्टूडेंट्स की हत्याएं हो गई है। इन इंसिडेंट्स की वजह से इंडियन स्टूडेंट्स जो अब्रॉड पढ़ने के लिए एस्पायर कर रहे हैं उनके मन में एक फियर डेवलप हो गया है, क्या सिचुएशन वाकई में इतनी ज्यादा खराब चल रही है? अगर ऐसा है तो इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स बाहर लाखों रुपए खर्च करके क्यों जाना चाहते हैं? यही हम जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो। कुछ दिन पहले निकिता की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें इन्होंने साउथ कोरिया में इंडियंस के खिलाफ जो रेसिज्म हो रहा है उसको दर्शाया था। इंडियंस को बाहर रेसिज्म झेलना पड़ता है, ये चीज किसी से छुपी नहीं है। यह है करण कटारिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लॉ के स्टूडेंट। इन्होंने ये आरोप लगाए थे कि स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस में से इन्हें इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि इनकी हिंदू आइडेंटिटी थी। यस, जस्ट बिकॉज आई सेलिब्रेट माय भारतीय वैल्यूज, जस्ट आई सेलिब्रेट माय कल्चर, जस्ट बिकॉज आई सेलिब्रेट एंड प्राउड ऑफ माय आइडेंटिटी, माय my nationality, my culture, my heritage, I was targeted and I was on the receiving end. इंडिया की खास बात ये है कि यहाँ के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, काफी फ्रेंडली होते हैं, लेकिन बाहर सिचुएशन ऐसी नहीं है। अब्रॉड के लोग अपने आप में ही रहते हैं और उनके अपने ही ग्रुप होते हैं जिस ग्रुप में वो बाहर के लोगों को एंट्री नहीं देते हैं। जो UK या जो US में होता है, जो भी होता है, वहाँ ये नहीं होता, वहाँ तुम्हें नहीं करते एक्सेप्ट आराम से। वहाँ के जो वहाँ का जो कल्चर है इट्स वेरी डिफरेंट। इन कंट्रीज लाइक द US एंड UK, मे बी द रेस्ट ऑफ यूरोप, ऐसे नहीं होता है। मेरे को नहीं लगता कि वो आपको ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या होता है वहाँ? आई थिंक इट्स मच मच टफर टू गेट इन विद अ क्राउड इन इंग्लैंड। वहाँ बहुत क्लोज्ड ऑफ होते हैं, वहाँ अपना कल्चर मालूम है, कैसे रहते हैं वो मालूम है। बट अपना कल्चर मतलब एक कंट्री के ओरिजिन के लोग एक साथ रहते हैं या नेबरहुड्स? या आई वुड से लाइक, जब मैं अपना कल्चर, आई मीन the life that they're living, so that life, they know that life only, they don't know much about the rest of it. They're not going to be open ke ha ye India se aaya ladka ye hamara dost ban jayega, नहीं बनेगा। इस चीज की वजह से काफी सारे इंडियंस वहाँ पर आइसोलेटेड और लोनली फील करते हैं, डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं। हम इंडियंस के खिलाफ जो दूसरे देशों में रेसिज्म होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है क्योंकि हम खुद रेसिस्ट हैं, और जब कोई बाहर के लोग हमारे देश में एंटर करते हैं तो हम भी उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। US और UK जैसे देशों में क्राइम रेट्स बहुत ज्यादा है, गन वायलेंस बहुत ज्यादा है, इवन इंडिया से भी ज्यादा क्राइम रेट्स है। अकेले US में 6.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर है और ये आपको अमेरिका की सड़कों पर दिख भी जाएंगे। हम इंडियंस की आदत होती है दूसरों की मदद करने की, और कभी कभार ये आदत बाहर के देशों में हमें भारी पड़ जाती है। विवेक सैनी एक 25 साल का लड़का था जो US में मास्टर्स परस्यू कर रहा था। ये जॉर्जिया के एक स्टोर में पार्ट टाइम काम करता था। उस स्टोर के पास एक होमलेस गरीब आदमी था जिसको इसने 2-3 दिन
खाना पानी दे दिया था और होमलेस व्यक्ति उस स्टोर में रह रहा था। विवेक ने जब इस फॉलकर नाम के व्यक्ति को जाने को कहा तो फॉलकर ने विवेक पर हैमर से अटैक कर दिया। हैमर से 50 बार हिट किया, विवेक की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे केसेस का शिकार हो रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही की वजह से। यूके में स्टैबिंग काफी ज्यादा कॉमन है और इस स्टैबिंग के काफी सारे रीजन है, लूटपाट, गैंग अटैक्स, पॉवर्टी और सबसे कॉमन और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन कॉलेज फाइट्स, रेसिज्म की वजह से। इंडियन स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जा रहे हैं उनके मन में बस एक चीज होती है, किसी तरीके से उनका एडमिशन यूनिवर्सिटीज में हो जाए, उसके बाद वो कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ लेंगे जिससे वो अपने सारे एक्सपेंसेस का खर्चा उठा लेंगे, एजुकेशन लोन पे कर देंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज में लेऑफ्स काफी ज्यादा हो रहे हैं, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं जॉब पाने में। श्लोक मिश्रा यूएस के टेक्सास की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वापस आ गए क्योंकि उन्हें सूटेबल जॉब ही नहीं मिली अपने रेंट और दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए। ऐसे आपको अनगिनत केसेस मिल जाएंगे जिनमें स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं जॉब ना मिलने के कारण। और दूसरा जॉब वगैरह का आप सोच के आ जाते भाई ऐसा है वैसा है, जाते जॉब आज के टाइम पे भाई साहब जॉब की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, अभी कोई काम नहीं है, घूम रहे हैं वेले, ऐसे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, मतलब कुछ नहीं है। भरोसे ना रहो बिल्कुल भी, मतलब ये अगर कोई भी आप आओ ना, इंडिया से आओ, पाकिस्तान से भी आओ ना, अपना अकोमोडेशन और जॉब का पहले देख के आना। आखिर सिचुएशन इतनी ज्यादा गंभीर होने के बावजूद इतने सारे स्टूडेंट्स बाहर क्यों जा रहे हैं? इसका वन ऑफ द मेन रीजन है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। इंडिया में जो हायर एजुकेशन है उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा वाहियात है, किसी भी गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन पर फोकस ही नहीं किया, इवन पूरे एजुकेशन के कॉन्सेप्ट पर ही फोकस नहीं किया है, प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस नहीं किया है और बजट का काफी छोटा हिस्सा एजुकेशन के लिए दिया जाता है। अगर हम इस चीज को डेवलप कंट्रीज से कंपेयर करें तो डेवलप कंट्रीज में 6% ऑफ GDP एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होती है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 2.9% ऑफ GDP। इवन इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में फैकल्टीज की कमी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 900 फैकल्टी वैकेंसीज खाली पड़ी है, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 622 वैकेंट पोजीशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बताया है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टोटल 6549 वैकेंट फैकल्टी पोजीशंस हैं। फैकल्टीज की कमी के पीछे का सबसे बड़ा कारण है बजट की कमी। काफी सारी फैकल्टीज ने यह बताया कि उन्हें अंडर पे किया जा रहा है, काफी सारी फैकल्टीज ने यह बताया कि ओवरबर्डन की वजह से उन्हें दिन में 18 घंटे काम करना पड़ रहा है। काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहां पर लोग जाना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी लोकेशन काफी ज्यादा रूरल और जंगल भरे एरिया में। हमारी गवर्नमेंट को एजुकेशन पर अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाने की जरूरत है। इंडिया में एक अच्छा कॉलेज पाना एक किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। 2023 में नीट का यूजी एग्जाम 20 लाख लोगों ने दिया था, 1,40,000 MBBS और डेंटल सीट्स के लिए, यानी सिर्फ 7% लोगों को एडमिशन मिला था। जेई मेंस में हर साल लगभग 12 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर करती हैं, 23 IITs में 17,000 सीट्स के लिए, यानी सिर्फ 1.4% स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं। जो बच्चे इन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते उनके पास एक ऑप्शन बचता है जो है प्राइवेट कॉलेज, जिनकी हालत काफी ज्यादा खस्ता है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं, उनके पास नई टेक्नोलॉजी की स्किल्स ही नहीं है। इसका मतलब उनके पास डिग्री तो है लेकिन उनकी डिग्री किसी भी काम की नहीं है। इंडिया में ज्यादातर यंग इंडियंस को यही नहीं पता कि ईमेल कैसे सेंड करते हैं अटैचमेंट के साथ। इंडिया में स्किल्स और नॉलेज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स को स्किल और नॉलेज गेन ही नहीं कर पाते। लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं है, यूके और यूएस जैसे देशों में स्पेशली क्वालिटी पर फोकस किया जाता है, स्किल्स और नॉलेज पर फोकस किया जाता है। इस चीज की वजह से इंडियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए एस्पायर करते हैं। जब भी हम वेस्ट के किसी डेवलप्ड देश के बारे में सोचते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में आती है, वो है बेटर लाइफस्टाइल, हाई इनकम, बेटर प्रोफेशनल लाइफ। स्टूडेंट वीजा से लोग वेस्टर्न कंट्रीज में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लिविंग कंडीशंस ज्यादा अच्छी हैं अगर आप इम्प्लॉयड हो। काफी सारे लोग यूएस जैसे देशों में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो ज्यादा लिबरल हैं। वहाँ पर वो अपनी मर्जी से जी सकते हैं, अपनी मनमर्जी के कपड़े पहन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और अपनी सेक्सुअलिटी को उन्हें छुपाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल जीरो है। ऑन एन एवरेज इंडिया में एक व्यक्ति हर हफ्ते 48 आवर्स काम करता है और इंडिया में 80% लोग 25,000 से कम कमाते हैं, लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। जिन स्टूडेंट्स की अब्रॉड पढ़ाई पूरी हो जाती है वो कोशिश करते हैं वहाँ पर जॉब सिक्योर करने की, H1B वीजा पाने की, ताकि वो वहाँ पर रह सके। यूएस में केवल 85,000 लोगों को H1B वीजा मिलता है, जिसके लिए 3.7 लाख लोग अप्लाई करते हैं, बाकी के लोगों को वापस आना पड़ता है और ये चीज लॉटरी के एक सिस्टम से डिसाइड होती है। काफी सारे स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब अच्छे पैकेजेस के साथ मिल भी जाती है और काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी मिलती। अब्रॉड जाने से पहले स्टूडेंट्स को अपने दिमाग में ये चीज रखनी चाहिए कि वो दूसरे देश में जा रहे हैं, उन्हें दूसरे देश के कल्चर और एनवायरमेंट में एडजस्ट करना होगा। जितनी जल्दी वो ये चीज सीख जाएंगे उतनी ही जल्दी उनकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। लोगों से प्यार से बात करो,
अगर अच्छे से बात करोगे तो कई रॉबरी के चांसेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं, कि अगर आप प्यार से बात कर रहे हो, बंदे ह्यूमंस हैं सब, रॉबर्स भी ह्यूमंस हैं, तो कई बार चांसेस ही खत्म हो जाते हैं ऐसे कुछ होने के। और टू द पॉइंट बात करो, कोई एक्स्ट्रा बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, डील करो कस्टमर की तरफ प्रोफेशनली, ठीक रहोगे। हम इंडियंस खुद रेसिस्ट हैं, इस चीज की वजह से हम अपने ही लोगों को हेट करते हैं, बिहार के लोगों को हेट करते हैं। इस चीज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखो।